हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि देख सकते हैं, इस समय हम गोरखपुर के लाल डिग्गी पार्क में, और ये गोरखपुर में बहुत फेमस है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पार्क के अंदर एंट्री कर लिए हैं और सामने का गेट है गाइस। तो अभी जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको ऐसा एक मछली का स्टैचू बना हुआ मिलेगा इस गेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी और कुछ हम चलते हैं और दिखाते हैं तो ब्लॉग पे। और ऐसे तो हमें लग रहा है आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी पार्क में हम चल रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी साले सब कमीने भग गए हैं उधर। तो क्या है ना, उन लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा शर्म आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही है गोरखपुर का लाल डिग्गी पार्क। और सबसे पहले देखिए, हम पार्क के अंदर आ चुके हैं। इसके चारों तरफ ऐसे लगा है, बोल सकते हैं तार ऐसे कुछ का ब्रिज है। और इधर देख सकते हैं पार्क के उस साइड में, और ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। और हम बताए गोरखपुर में साहबगंज मंडी के पास में, और इधर आएंगे गीता प्रेस के पास में थोड़ा पड़ता है, तो आप इधर से चाहें उधर से आ सकते हैं फ्रेंड्स। और देख सकते हैं कितना शानदार गजब का लाल डिग्गी पार्क है गाइस। एक्चुअली यार, हम लोग आज कॉलेज से अपने भाग गए थे। एक्चुअली भागे थे इसलिए कि हम लोग का होने वाला था वाइबा, और भी कुछ था, मतलब सेमिनार वगैरह था, तो किसी का सब्जेक्ट तैयार नहीं था। ह्यूमन बॉडी के पूरे पार्ट सबको एकदम भैया दिमाग पे भैया रट्टा मारना था, लेकिन तो एक्चुअली किसी को याद ही नहीं था, और किसी ने याद नहीं किया तो सोचा कि आज तो सबकी धुलाई होगी, आज तो क्लास में बेइज्जती होती। आप लोग समझ सकते यार, कॉलेज में कितनी मतलब कितनी टीचर लोग मारते हैं, मतलब पूरी भाई लड़कियों के सामने भाई खड़ा कर लेंगे, मारना चालू कर दे, साले पढ़ाई नहीं करता है, चला आता है कॉलेज पे, ये कर ले वो कर ले। यार ऐसा सभी के साथ होता है जो भी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर, और एक्चुअली हम लोग आज कॉलेज से बचने के लिए इधर आए हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसमें पानी वगैरह रहता है, मगर अभी वो है नहीं गाइस। तो अभी मेरे फ्रेंड लोग उधर अपने में सेल्फी ले रहे हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, यही है यार ज़िंदगी में मज़ा हो रहा है भाई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर चारों तरफ से यही दिखा सकते हैं, बहुत ही गजब पार्क है। एक्चुअली हम लोग को देखना है मूवी, तो मूवी का टाइम है गाइस हम लोग का 1 बजे से। तो अभी हम लोग सोचे कि क्या, अभी तो 11 बज रहा है, तो अभी इधर हम थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद 12:30 बजे चले जाएंगे। और टिकट भी अभी मिलेगा नहीं वहाँ पे। और देख सकते हैं मेरे फ्रेंड लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सब लोग साले कॉलेज से भागे हुए हैं। इनकी भैया कल टीचर ऐसे घांट मारेगा बहुत बढ़िया तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर। इन लोगों की भाई बैंड तो बजेगा ही। और मैं इधर से थोड़ा आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना लाजवाब। और we'll be right back.
तो फ्रेंड्स आज हम आपको दिखाए गोरखपुर का लाल डिग्गी पार्क। एक्चुअली यार फ्रेंड लोग के साथ यही मजा है, कॉलेज वगैरह में यही मजा है। और मैंने अपना पावर वाला चश्मा हटा के गाइस इसको लगा लिया है, नॉर्मल चश्मा। कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली यार अभी तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और फोर्थ ईयर तक आते आते पता चले किसी ना सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है, कोई कहीं और सेटल हो जाता है तो कोई कहीं और सेटल हो जाता है। तो अभी हम लोग यही है भाई आज का ब्लॉग। और गाइस देखिए अगर आप भी पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए, लाइफ की कुछ भोली बीती हुई बातें ही याद आती है गाइस। और जल्दी हम लोग हो सके लाइफ में सेटल भी हो जाए फ्रेंड्स। और मेरे इधर देख सकते हैं सारे फ्रेंड्स और कॉलेज कैंपस से उम्मीद है सारे लोग का सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगा। और यही है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।